अच्छा, घर पर आप भी बहुत हसीन और प्यारा सा आई लुक करना चाहते हैं, जिससे आपकी आंखें अट्रैक्टिव और बहुत ही प्यारी नजर आए, चाहे डे में हो चाहे नाइट में फंक्शन हो। आप लोग इस लुक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, कोई भी आपकी पैलेट में जो पीच पिंक सा शेड है ना, नहीं है तो आपने सिंपली अपना ब्लश एंड शेड उठाना है, पीच पिंक सा, वो लेना है एक फ्लफी ब्रश की मदद से। अपना जो एक लाइन सा बन रहा है ना आँख खोलते ही, वहाँ पर आपने अच्छे से इसकी ब्लेंडिंग करनी है। उसके बाद सिल्वर गोल्ड सा कोई भी हाईलाइटर शेड है, आपने एक छोटा सा ब्रश लेना है और उसको बिना वेट किए हुए लगा लेना है, ठीक है? कभी कभी हम बिना वेट किए भी लगा लेते हैं, बड़ा सॉफ्ट और बड़ा ही ग्लोई सा, बड़ा ही ड्यूई सा लुक आता है। अच्छा, ये जो लुक है ना, ये मैंने ईद के दूसरे दिन किया था और मैंने इंस्टा पे जब इसकी पोस्ट अपलोड की थी तो बहुत लोगों ने पसंद किया था। इंस्टा पे, यूट्यूब स्टोरी पे, टिकटॉक पे, सब जगह रिक्वेस्ट आ रही थी, बस टाइम नहीं मिल रहा था एडिटिंग करने का कि मैं आप लोग के साथ शेयर करती। ब्रॉ बर्न का इनर कॉर्नर को हाईलाइट करने के बाद 06 ये माल्याओं के आपको क्रीम आई शेडोज मिल जाते हैं, ठीक है? ये बहुत आसानी से फिंगर की मदद से लग जाते हैं, आपने इसको आराम से लगा लेना है जहाँ तक आप इसको लगाना चाहें। आपका जो लिड स्पेस है, आपका जो एक गोलाई वाला हिस्सा होता है, वहाँ तक आप इसको फिंगर से लगा लें, बहुत अच्छे से लगेगा। ब्रश से इतना पिगमेंटेड नहीं लगता और ये बहुत ही नेचुरल लगता है, बिल्कुल भी शिमर सा, बहुत तेज़ सा नहीं लगता। उसके बाद वही ब्रश उठा के आपने दोबारा से उस शेड की ब्लेंडिंग करनी है। आवाज़ों को कीजिएगा इग्नोर, मैंने बड़ी कोशिश की आवाज़ें बंद हो फिर मैं वॉइस ओवर करूँ, लेकिन पता नहीं ऐसा होता नहीं है। अच्छा, सेम वही शेड पीच पिंक सा आपने नीचे उठा के एक ब्रश के साथ ब्लेंडिंग कर देनी है। अब यहाँ पर मैं लैशेज़ ट्राई करी थी, लेकिन विदाउट लैशेज़ भी ये लुक बहुत अच्छा लग रहा था। नीचे मैंने डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर को मिक्स करके हल्का हल्का मैंने नीचे आईज़ के एक शेडो क्रिएट किया है। मिस रोज़ का न्यूड पेंसिल अप्लाई करी हूँ। यहाँ पर मुझे डे टाइम में ये लुक करना था और बड़ा ही ग्लैम सा लुक करना था। मैंने जो है ये वाले लेंस भी लाइट कलर के यूज़ किए हैं, बहुत ही सॉफ्ट से, और सॉफ्ट न्यूड पेंसिल यूज़ किया। आपकी मर्ज़ी हो तो आप वाइट भी यूज़ कर सकते हैं, मेरी आंखों में दोनों अच्छी लगती है। चाहे तो काजल भी यूज़ कर सकते हैं। बॉब का मस्कारा कमाल का है, अगर आप मेरी तरह लैशेज नहीं लगा रहे तो भर भर के आपने मस्कारा की कोटिंग करनी है और बहुत ही खूबसूरत आपकी आइज़ लगेंगी। और यकीन करें, इसमें मैंने कोई लैशेज नहीं लगाई थी, लेकिन बहुत प्यारा लग रहा था। तो नीचे जितना भी हमारा लूज़ पाउडर होगा जो हम पहले से रखेंगे ताकि हमारा मेकअप ख़राब ना हो, उसको आपने डस्ट ऑफ करना है। तो फाइनल लुक ये थी जिसे आप लोगों ने इतना पसंद किया। वीडियो को जाते जाते लाइक ज़रूर किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू।